आइए दोस्तों, 14 जून है आज और मॉर्निंग के 11:25 के आसपास का टाइमिंग हो रहा है। बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देखो, उसने एक ब्रेकडाउन हल्का सा दे दिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या चीज़ें है सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। कॉल्स को देखो, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर बोला था कि मैं यहाँ पर कॉल बाय करने वाला था, तो उसको तो अभी मैं करने वाला हूँ नहीं दोस्तों, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी रिट्रेसमेंट नहीं दी है। तो अभी हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पर एक पैटर्न मिला है तो हम पुट साइड की एंट्री भी कर सकते हैं। 11:26 का टाइमिंग हो रहा है फिलहाल, तो उस कॉल को तो मैं अभी पहले डिलीट कर दूंगा मेरे सिस्टम से। यहाँ से मैं कॉल को कर देता हूँ डिलीट, एंड 33,700 की जो पुट रहेगी वो एक अच्छा हमें रेट दे सकती है। तो इसके 250 क्वांटिटीज हम बाय करने वाले हैं। अभी 50 वीडियो जो थे, सबसे पहले मुझे बाय कर लेने दो, 50 वीडियो जो थे वो मैंने मतलब 200 क्वांटिटी के साथ किए थे। तो अभी आज से हम 10 लॉट में काम करने वाले हैं। 372 पे हमें माल मिला है, 16 पॉइंट अगर हम ऐड करते हैं तो 388 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो चलो आप लोगों के सामने मैं टारगेट भी लगा देता हूँ दोस्तों सिस्टम में। करंटली देखा जाए तो 400 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हमारा कर रहा है प्रॉफिट में काम। अभी देखते हैं कि एक किस प्रकार अभी एग्जीक्यूशन इसका आगे जाके होता है। तब तक मैं आपको एक चार्ट का जो पैटर्न है वो समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो, आप अगर पीछे हिस्ट्री देखने की कोशिश करोगे तो जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था। मैं थोड़ी देर में आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था लेकिन उसने कंटिन्यू वहाँ पे रैली करी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे पुट साइड की एंट्री करने का या फिर कॉल साइड की एंट्री करने का मौका ही मार्केट ने दिया नहीं। और फाइनली अब जाके यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, इस तरह से इसने पैटर्न का फॉर्मेशन करा हुआ है। उसके बाद मैंने एक और कंफर्मेशन लिया, उसने ब्रेक डाउन दिया ट्रेंड लाइन का, तो वहाँ पे मैंने एंट्री करी है। स्टॉप लॉस बिल्कुल हम थोड़ा सा ही देने वाले हैं और टारगेट हमारा जो सपोर्ट है उससे पहले पहले निकलने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 1:1.25 का रिस्क रिवॉर्ड है। करंटली ये 700-800 रुपीज़ के प्रॉफिट में हमारा ट्रेड चल रहा है। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर इमेज आ रही है, ये मैंने ट्रेड लेने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरी एनालिसिस शेयर करके रखी हुई थी दोस्तों। तो अगर आपको डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी की ऐसी एनालिसिस चाहिए तो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों ये चैनल, आप ज्वाइन करके रखना दोस्तों। सो करंटली देखा जाए तो 376 के आसपास इसका रेट चल रहा है। टारगेट अभी भी हमारा बहुत दूर है, देखते दोस्तों ये किस प्रकार अभी ट्रेड करता है। मेरा लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि सर आप डेली बेसिस पे ऐसे लाइव ट्रेडिंग के जो वीडियोस है वो रिकॉर्ड किया करो। साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप पे पर्सनली मैसेजेस भी किए हुए थे। देखो दोस्तों ये आ रहा है नीचे, तो उस कारण मैं इस सीरीज़ को आगे और भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो पैटर्न्स के अंदर एक पैटर्न बन रहा है। देखो ब्रेकडाउन के बाद फिर से उसने एक कंसोलिडेशन किया हल्का वाला। अगर कोई भी एक मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज कर देती है तो बड़ी एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होते हुए आपको नजर आएगी। करंटली देखा जाए तो 2000 के आसपास का मुनाफा दिखाई दे रहा है इस ट्रेड में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट दोस्तों, इधर हम हमारा टारगेट लेंगे या फिर स्टॉप लॉस लेंगे, देखते हैं किस प्रकार ये ट्रेड हमारा काम करता है। आपको भी देखो 380 का रेट तो जस्ट अभी मैंने स्क्रीन पर देख लिया, तो आप भी जब ट्रेड लेते हो तो कूल माइंड से ट्रेड लेने की कोशिश किया करो दोस्तों। ये मत सोचना कि अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस हो जाता है तो क्या होगा वगैरह वगैरह। देखो अभी मेरे सामने वो टारगेट की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है, अगर ये यहाँ से घूम के मेरा स्टॉप लॉस के भी पास जाता है तो मेरा माइंड सेट है, मेरी साइकोलॉजी वो बिगड़ने नहीं चाहिए दोस्तों। तो आपको भी ऐसे काम करने के लिए आना चाहिए। देखो आप लोगों के सामने अपना टारगेट भी इसने अचीव कर दिया है दोस्तों। देखते हैं, 26 को हमने एंट्री ली थी, 3 मिनट का टाइमिंग लगा हमें, थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग लगा आज, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। 16 पॉइंट की अर्निंग हमने की है। देखो चार्ट पे मैंने बोल रहा था ना कि बड़ी रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि उसने पैटर्न के अंदर और एक पैटर्न की फॉर्मेशन करी थी, तो वो काफ़ी वीक हो सकता है। देखो दोस्तों मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा लेकर चलता हूँ, 15 मिनट आई गेस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था ये। देखो तो ऐसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए आपको भी आना चाहिए। यहाँ पे क्या था दोस्तों, ये वाला जो एक जोन था मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता था, उसकी प्रोबेबिलिटी थी। और 1 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको और थोड़ा छोटा करके दिखाऊँ तो उसके ऊपर भी एक कैंडल गिरी हुई थी, जो कल मार्केट ओपन होने के बाद बड़ी गिरावट आई थी तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी हुई थी। तो वो जो जोन होता है ना, वो जोन में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। सो अभी मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते वक्त जहाँ पे उन्होंने सेल किया होगा वो लोग तो वहाँ पे मतलब खुद की पोजीशन बचाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई, जैसे ही उसका ब्रेकडाउन हुआ आगे की कहानी आप लोगों के सामने है दोस्तों।
तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 372 के आसपास का हमने अर्निंग किया था। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि 16 पॉइंट का क्या लॉजिक है, तो वो अभी यहाँ पे आप देखना, मैंने क्वांटिटी आज बढ़ा दी थी। सो 95,000 का मोटा मोटी हमें कैपिटल लगा था, 4,000 का हमने मुनाफा किया है इंटू 100, दैट मीन्स 4% के आसपास का मुनाफा आज के दिन पे ट्रेड करके हमने बुक किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 372 प्लस 16 करेंगे तो 388, और यहाँ पे देखो 388 का ही हमारा टारगेट अचीव भी हुआ है दोस्तों, और हमने आज के दिन पे बुक किया है 4,000 रुपीज़ का मुनाफा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज के इस लाइव ट्रेडिंग के वीडियो से आपने प्राइस एक्शन का और एक नया कंसेप्ट जरूर सीखा होगा। देखो दोस्तों, इंट्राडे में ना आपको फ्लक्चुएट भी होने के लिए आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि मैं बुलिश साइड एंट्रीज मतलब ढूंढने वाला हूँ, लेकिन मार्केट ने कोई भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट दी नहीं, तो मैं महंगी चीज़ें क्यों बाय करूं। उसके बाद मैंने जब मल्टी टाइम फ्रेम पे जाने के मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करी, तो मुझे वहाँ पे दिखाई दिया कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो सकता है, पॉसिबल रेसिस्टेंस हम उसको बोल सकते हैं। और वहाँ पे एग्जैक्टली उसने कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया। जब उसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने आप लोगों के सामने पुट को बाय किया। तो ऐसे आपको माइंड को स्विच करने के लिए आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अगर उसको उनको बुलिश ट्रेड दिखाई दे रहा है मतलब मार्केट बुलिश है, तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने के लिए घबराते हैं। तो अगर आपकी एनालिसिस सही है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। सो इस प्रकार आपको भी ट्रेड करने के लिए आना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी हम फिर से कल मिलेंगे और एक लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।